चुनाव हरियाणा का है और हरियाणा न्यूज की ये चुनाव यात्रा तमाम हलकों में पहुंच रही है। ग्राउंड जीरो से आपको इस पूरे चुनाव का हाल बता रही है। आज बल्लभगढ़ में है, लगातार आपको ग्राउंड जीरो से अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की परेशानी दिखा रहे हैं। और जब बात चुनाव की आती है तो सबसे बड़ी बात नेताओं की अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि वो नेता हैं जो इस बार आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे। कुछ नए चेहरे होंगे तो कुछ पुराने, तमाम लोगों के अपने दावे होंगे, तमाम नेताओं के अपने दावे होंगे, लेकिन वाकई में लोगों की परेशानी को सुनेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल जिसका जवाब टटोलने की लगातार हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से कोशिश कर रही है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो दो बार बल्लभगढ़ से विधायक भी रह चुकी हैं, कांग्रेस के अलग अलग पदों पर संगठन में काम कर चुकी हैं और फिर से एक बार चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। शारदा राठौर इस वक्त हमारे साथ हैं। शारदा जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार है। आश्वस्त है कि पार्टी टिकट देगी? 100% आश्वस्त है, क्योंकि सर्वे के आधार पर इस बार टिकट मिल रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और सर्वे में हमें अपने काम पर भरोसा है कि हम जरूर सर्वे में आगे आएंगे। दो बार आपने बल्लभगढ़ का प्रतिनिधित्व किया जी, एमएलए आप यहाँ से रही जी, लेकिन एक लंबा को कहें कि बहुत गैप हो गया है, क्या कहें, वनवास हो गया है, बल्लभगढ़ से काफ़ी दूर हो गए, अब लगता है कि इस बार चुनावों में लोग मौका देंगे और क्यों देंगे? देखिए, मौका इसलिए देंगे कि हमने कभी भी जनता से दूरी नहीं बनाई, भले ही चुनाव नहीं लड़ी, टिकट नहीं मिली, जनता से दूरी नहीं बनाई, जनता के बीच में रहे हैं, उनके हर सुख दुख में हम शामिल हुए हैं, जनता के मुद्दे हमने उठाए हैं। तो जिन लोगों के हमने 10 वर्षों में काम किए और जिन लोगों के साथ हम अगले 10 वर्षों में जुड़े रहे, उनकी समस्याएं उठाते रहे, उनके दुख दर्द में, उनके सुख में शामिल होते रहे, तो वो अवश्य साथ देंगे। और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और लोग मन बना चुके हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम भी तमाम हलकों में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, और हम जहां भी जा रहे हैं सबसे बड़ी समस्या लोगों की गंदगी को लेकर मिल रही है, सड़कों को लेकर मिल रही है, पानी को लेकर मिल रही है, इतनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग आज भी त्रस्त हैं। आप जब विधायक थी, आप मुख्य संसदीय सचिव भी रही दोनों बार ही, क्या कुछ आपने तब काम किए और तब के हालातों और अब के हालातों को अगर कंपेयर किया जाए तो कहाँ देखते हैं आप बल्लभगढ़ को? ये जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हमारे समय में एक तो पीने के पानी की समस्या नहीं थी, हमने 600 करोड़ की लागत से रेनिवेल स्कीम के तहत हमने यहाँ 48 मीठे पानी के बूस्टर्स लगवाए, जिसमें एक एक बूस्टर में 1-1 लाख लीटर पानी स्टोर हो सकता है, और लोगों को पानी दिया, कहीं भी मीठे पानी की समस्या नहीं थी, सबको ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलता था। लेकिन अब तो इन्होंने जो हम योजनाएं लेकर आए उनका रखरखाव भी नहीं किया, रिपेयर वर्क्स भी नहीं हुए, जगह जगह से लाइनें टूट गई, डैमेज हो गई, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है। आज इतने ट्यूबवेल्स बंद पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं, लेकिन इनको रिपेयर भी नहीं करवा रहे, नया खोलना तो दूर, रेनिवेल स्कीम का इन्होंने बट्टा बिठा कर रख दिया है। तो इतना पूरे शहर में लोग खरीद खरीद कर पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, कहीं मीठा पानी तो दूर सीवर का पानी आ रहा है, कहीं कहीं जगहों पर लाइनें मिली हुई हैं और कहीं काला पानी आ रहा है, कहीं पानी आता ही नहीं है, कहीं रेत का पानी आ रहा है। ये तमाम सवाल मैंने मूलचंद जी से भी किए थे और मूलचंद जी ने साफ तौर पर जवाब दिया था कि मेजरली काम हम कर चुके हैं, बहुत थोड़ा बहुत काम रह गया है, अगर वो कर देंगे और जल्दी हो जाए। मेजर काम वो कर चुके हैं तो 10 साल में क्या वो एक मीठा पानी भी नहीं सप्लाई कर पाए? 10 वर्ष हो गए, जो व्यक्ति 10 साल में अपने क्षेत्र की जनता को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करवा सकता, मैं समझती हूँ ऐसे व्यक्ति को राजनीति करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं 10 साल में पीने का पानी नहीं मुहैया करवा सके, वो मूलचंद जी ये कह रहे थे मुझे कि शारदा जी से पूछिएगा कि 10 साल में क्या कोई पेड़ भी लगाया उन्होंने, एक पेड़ भी लगा दें और बता दें। हमने 10 साल में पेड़ तो क्या, हमने जगह जगह पार्क बनवाए हैं, हमने ब्यूटिफिकेशन के काम करवाए हैं, लेकिन 10 साल में ये सब मूलचंद शर्मा जी की देन है, सब 10 साल में बिगाड़ के रख दिया, ये नाले को नाली बना दिया, पानी की निकासी बिल्कुल बंद हुई पड़ी है, जो आप शहर के अंदर घुसती हैं दो बड़े द्वार लगे हुए हैं वो हमारे टाइम के लगे हुए हैं, आज उनकी जो यहाँ पे भी लोग परेशान है, पूरा अतिक्रमण है रेहड़ियों से, ऑटो से। मैं वही कह रही हूँ कि मूलचंद शर्मा जी सिर्फ जुबानी जंग लड़ते हैं, फील्ड में कुछ भी नहीं होता। आप क्या करेंगे फील्ड में, अगर जनता को मौका देती हैं आपको तो आप क्या करेंगे, ग्राउंड पे तस्वीर बदल पाएंगे क्या बल्लभगढ़ की? मंत्री हैं मूलचंद जी दोनों बार, बिल्कुल मंत्री हैं, और मंत्री को अपने होटल बनाने से फुर्सत नहीं है, मंत्री ने अपना अथा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है, इतनी प्रॉपर्टीज खड़ी कर दी है कि उनको तो उन्हें संभालने से फुर्सत नहीं है, 5-स्टार होटल्स बना दिए हैं,
वो 24 घंटे की राजनीति नहीं करते फुल टाइम पॉलिटिक्स, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। वो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए राजनीति करते हैं। इतने सारे भाई हैं, हम दुकान भी नहीं खोल सकते क्या? 24 घंटे हम राजनीति करते हैं। दुकान एक दुकान थी और वो एक दुकान से 5-स्टार रिजॉर्ट बन गए। ऐसा क्या जादू की छड़ी घूम गई? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घूम गई? हमारे परिवार के भी 5 सदस्य हैं, हमारा तो ढाबा भी नहीं खुल सका, क्योंकि ईमानदारी की राजनीति से नहीं आप इस तरह इतनी कमाई कर सकते हैं। मीठा पानी यहाँ पे नहीं है, सारे शहर की सीवर यहाँ जाम पड़ी हुई है, यहाँ बुरा हाल है सफाई का। जिस तरफ चले जाओ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, क्या इसको हम विकास कहते हैं? आज नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो मूलचंद शर्मा जी की नाक के नीचे हुआ है। वो घोटाला का पूरे शहर का नहीं है, पूरे नगर निगम का, जिले का नहीं है, वो 95% घोटाला बल्लभगढ़ का है। इसके क्या जवाब देंगे मूलचंद शर्मा? सारे बैठे हैं, नीरज शर्मा भी तमाम तरीके के सवाल उठाते रहे, आरोप लगाते रहे, कोई खास मूलचंद शर्मा जी के पास कोई जवाब नहीं है इन बातों का। मूलचंद शर्मा जी कोई जवाब दे भी नहीं सकते हैं, क्या जवाब देंगे? आज 12,000 लीटर का घोटाला परिवहन विभाग में सामने आ रहा है, जिसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी मूलचंद शर्मा जी के चिट्ठी से एक ही फाइल 2 बार पहुंच जाती है नगर निगम कमिश्नर के पास, एक ही काम की फाइल 70 लाख की मंजूर हो जाती है, फिर 50 लाख की फाइल फिर आगे पहुंचा दी जाती है। वो भी नीरज शर्मा जी ने इनको चिट्ठी भी लिखी है और हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दिखाया है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, अपना साम्राज्य, अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाई हैं, जनता के लिए इनके पास समय नहीं है। आज कॉलोनियों में जाकर देखिए ना, लोग रो रहे हैं मीठे पानी के लिए, पानी मुहैया नहीं है। करवा देंगे बिल्कुल, क्योंकि हम लोग प्लानिंग के तहत काम करते हैं। हमने रेनिवल स्कीम को, जो इन्होंने बिल्कुल डिफंक्ट करके रख दी है, उसको हम फंक्शनल करेंगे। जहां से रिपेयर की जरूरत है उसे हम रिपेयर कराएंगे, जो ट्यूबवेल्स खराब पड़े हैं उनको ठीक करवाएंगे। इन्होंने पूरे शहर में वाटर सीपेज का कहीं कुछ नहीं किया है। अब कहीं पानी हो, जरा सी बारिश आती है तो सड़कों पर खड़ा हो जाता है पानी। जो छोटी मोटी सड़कें बनाई हैं, गलियाँ बनाई हैं इन्होंने कुछ, तो उनका लेवल इतना गलत बना दिया कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। एक बात बताइए, ये गुस्सा तो नहीं है कि अभी कुछ टाइम पहले आप बीजेपी में एक बार शामिल भी हुई, टिकट नहीं मिली, मूलचंद जी को दे दी गई, 5 वर्ष हो गए इस बात को, क्या है राग? गुस्सा तो नहीं है इस बात का? नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, ये तो दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे प्रदेश अध्यक्ष से नहीं बनती थी, मैंने उसकी वजह से छोड़ी और वो मेरा दुर्भाग्य था कि कुछ दिन बाद ही वो खुद भी छोड़ गया पार्टी। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं छोड़ती, लेकिन मैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से पूरी तरह प्रभावित हूँ और अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाकर मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बीजेपी की नीतियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है अभी आपको? देखिए, बीजेपी की नीतियाँ तो हैं कि लोगों को इस्तेमाल करो और उनको साइड लाइन कर दो, किनारे पे बिठा दो, तो वो तो इस्तेमाल करने की राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए और उन लोकसभा चुनावों में बल्लभगढ़ से कुछ खास कमाल नहीं हो पाया, क्या उसके पीछे कारण मानते हो? और मूलचंद शर्मा बार बार कह रहे हैं, लोकसभा में आपने देख लिया ना हाल, विधानसभा में इससे भी और बुरी हालत होगी कांग्रेस। देखिए, लोकसभा में भी कृष्ण पाल जी के नाम पर कोई वोट नहीं मिला, लोग गालियां भी दे रहे थे और फिर भी वोट दिया है। वो सिर्फ एक मोदी फैक्टर था जो पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में था, और कुछ हमारे कैंडिडेट को टिकट भी बाद में मिला। और इन्होंने पूरे धन बल का जो दुरुपयोग किया है वो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बहुत ही एक चिंताजनक और शर्मनाक बात है, जिस तरह इन्होंने लोगों को खरीदने का काम किया है। लेकिन ये लोकल चुनाव है, लोकसभा के वोटिंग पैटर्न में और विधानसभा के वोटिंग पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल हुडा फैक्टर चलेगा, कांग्रेस फैक्टर चलेगा, और यहाँ जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, हम जैसे लोग हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं, उनका चेहरा चलेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये पार्टी का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होता है। पार्टी जो फैसला करेगी वो फैसला सबको मंजूर होगा। और जहाँ भी जा रहे हैं लोग, जहाँ तक सवाल वरिष्ठता का है, तो हुडा साहब वरिष्ठतम नेता हैं हमारे, और यही मैं समझती हूँ कि वरिष्ठतम नेताओं को पार्टी मौका देती है और जिसके साथ विधायक ज़्यादा होते हैं उनको मौका देती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि भूपेंद्र सिंह हुडा जी को चीफ मिनिस्टर पार्टी बनाएगी।
चलिए बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट चुनावों के लिए, देखते हैं क्या होता है, टिकट मिलती है, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे शारदा राठौर को, जो साफ तौर पे ये बता रही हैं कि मूलचंद शर्मा जी की वजह से बल्लभगढ़ का आज ये हाल है, कितनी परेशानियां लोग झेल रहे हैं, और सिर्फ ये सरकार की नाकामी है जिसने 10 साल में कोई काम किया नहीं। कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम काम को करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में लोग लगातार परेशान है और अब बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की अगर बात कर ले तो हुड्डा साहब उस पर बैठने चाहिए, सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं और सबसे ज्यादा विधायक भी उन्हीं के साथ होने की बात है। टिकट के लिए आश्वस्त हैं और जीत के लिए भी आश्वस्त हैं। बहरहाल ये तमाम फैसले आपको करने हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे।